नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। मनीष कश्यप सुर्खियों में छाए हुए हैं क्योंकि उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके परिवार वाले लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन उनको झटके पर झटका मिल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब उनको बड़ा झटका मिला तो अब फिर से परिवार हाईकोर्ट की ओर रुख करने वाला है। देखने वाली बात यह होगी कि हाईकोर्ट से उनको राहत मिलती है या नहीं। मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप ने कहा कि हौसला बरकरार है, भाई के लिए लड़ते रहेंगे। अगर हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। आपको बता दें कि लगातार मनीष कश्यप के समर्थक और फैन अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि मनीष कश्यप जो लोगों की आवाज था, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। सरकार उनसे डर रही थी और यही वजह है कि उनके खिलाफ साजिश की गई है। 6 मार्च को पत्रकार मनीष कश्यप सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप के कुछ ट्वीट्स के बाद बिहार और तमिलनाडु में बवाल मच गया था। इसके बाद बिहार पुलिस ने पत्रकार पर केस दर्ज कर उनके 4 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप की मुश्किलें और बढ़ गईं। तमिलनाडु पुलिस ने मनीष पर एनएसए के तहत कार्रवाई की है और उसके बाद पूरे देश में गुस्सा देखने को मिला। सभी ने इस बात की निंदा की। इससे पहले बिहार में मनीष कश्यप पर केस दर्ज किया गया था। मनीष को फेक वीडियो पोस्ट करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले के फर्जी वीडियो मनीष कश्यप ने शेयर किए थे। बीते दिनों बिहार से लेकर तमिलनाडु तक इस पूरे मामले पर बवाल मच गया। दरअसल तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमला किए जाने का वीडियो सामने आया था और ये मामला सुर्खियों में आने के बाद नीतीश कुमार की सरकार ने जांच करवाई, जिसमें पता चला कि मजदूरों पर कोई हमला ही नहीं हुआ। उसके बाद ये मामला और गर्मा गया क्योंकि बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में इन खबर को जगह दी गई, कई लोगों ने इसको शेयर किया। अब लोगों का ये कहना है कि मनीष कश्यप ने इस वीडियो को शेयर किया तो उन पर कार्रवाई कर दी गई, लेकिन जिन लोगों ने इसको शेयर किया उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मनीष कश्यप जो लोगों की आवाज़ उठा रहा है, जो बिहार के मुद्दों पर बात करता है, उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई और उनके खिलाफ NSA भी लगा दिया गया। आखिरकार इस तरह से कार्रवाई मनीष कश्यप पर सही नहीं है। लगातार मनीष कश्यप के फैंस और मनीष कश्यप के समर्थक उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, वो उनके समर्थन में हैं। उनका कहना है कि जब तक मनीष कश्यप जेल से बाहर नहीं आ जाते वो इसी तरह से आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, चाहे वो आस्थामा हो, चाहे वो पीठाधीश्वर शंकराचार्य जो पीठाधीश्वर हैं वो भी उनके समर्थन में आ गए हैं, बड़े बड़े जो संत हैं वो उनके समर्थन में आ गए हैं, हिंदूवादी लोग उनके समर्थन में आ गए हैं। मनीष तुम मत घबराना, पीछे सारा जमाना। मनीष बच्चे 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 मत घबराना, पीछे सारा जमाना। बिहार सरकार हाय हाय, जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा कश्यप। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनीष कश्यप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक युवा, होनहार युवा, जो गरीबों के पक्ष में खड़ा होने वाला व्यक्ति था, कल को कोई विषय उठाने के लिए तैयार नहीं होगा, डर जाएंगे सब लोग, तो डराने का काम नहीं करना चाहिए। यह देश है, इस देश के नागरिक है मनीष कश्यप, और मैं सुनता रहता हूं उनको कि लगातार जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको उठाते रहते। सबका एक सुर में कहना है कि मनीष कश्यप जिस तरह से लोगों के लिए अपनी आवाज बुलंद करते हैं उन पर इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पिछले दिनों दिल्ली में जंतर मंतर पर भी आपने देखा कि किस तरह से उनके फैंस और समर्थकों ने धरना प्रदर्शन किया। बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप के कुछ ट्वीट्स के बाद बिहार और तमिलनाडु में बवाल मच गया था। बिहार पुलिस ने उन पर केस दर्ज कर उनके बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया। अब आलम यह है कि परिवार की माली हालत खराब हो रही है क्योंकि वो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और उन्होंने जमीन गिरवी रख दी है, माँ के जेवर गिरवी रख दिए गए हैं और मनीष कश्यप को बचाने के लिए परिवार लगातार हर दरवाजा खटखटा रहा है। और मैं सब कुछ निछावर कर चुका हूँ, सब कुछ त्याग कर चुका हूँ, सब कुछ कुर्बान कर चुका हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को 10 साल 5 साल तक मैं बेच चुका हूँ। मेरे घर की गहने सब कुछ बिक चुकी है, मेरा जमीन जो था सब कुछ बिक चुकी है, सब कुछ नहीं बिक, मैं गिरवी दे चुका हूँ। सोशल मीडिया पर उन्होंने कई वीडियो पोस्ट किए थे और दावा किया था कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के खिलाफ हमले हो रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने जांच की थी।
चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार मनीष कश्यप को जो लोग इतना चाहते हैं वो हैं कौन। मनीष कश्यप का जन्म 9 मार्च 1991 को बिहार के पश्चिम चंपारण के डुमरी के महनवा गांव में हुआ था। मनीष खुद को सन ऑफ बिहार कहते हैं। लाखों लोग इनके फॉलोअर हैं क्योंकि जिस तरह से ये काम करते हैं उनके लोग दीवाने हैं। मनीष कश्यप का असली नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी है। वो अपने नाम के पीछे कश्यप लगाते हैं, हालांकि ज्यादातर जगहों पर वो मनीष लिखते हैं। मनीष की शुरुआती शिक्षा गांव से हुई। उन्होंने साल 2009 में 12वीं पास की। इसके बाद महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय से उच्च शिक्षा पूरी की। मनीष ने साल 2016 में पुणे की सावित्री बाई फूले यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में बीई किया। इसके बाद 2 साल बाद चैनल बनाया उन्होंने और पत्रकारिता शुरू कर दी। 2020 में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। चनपटिया विधानसभा सीट से त्रिपुरारी उर्फ मनीष कश्यप ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। नामांकन के समय चुनाव आयोग के दिए हलफनामे में मनीष ने बतौर प्रत्याशी अपना नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी बताया था। मनीष के पिता उदित कुमार तिवारी भारतीय सेना में हैं। मनीष कश्यप ने केस दर्ज होने के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर निशाना साधा था। मनीष ने कहा था कि तेजस्वी यादव के परिवार के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी के मामले में CBI छापेमारी से ध्यान भटकाने के लिए उनके ऊपर केस दर्ज कराए हैं। मनीष ने यह भी कहा था कि वो डरने वाले नहीं हैं, वो लगातार बिहार के मुद्दों के लिए अपनी आवाज मुखर करते रहेंगे। मनीष कश्यप के लिए लगातार लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। मनीष कश्यप 18 तारीख से जेल में बंद हैं। अब 18 मई को जेल में उनको 2 महीना हो जाएगा। उनके परिवार, उनके समर्थक लगातार सरकार से विरोध दर्ज कराकर ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकालिए, क्योंकि मनीष कश्यप पर जिस तरह से कार्रवाई की गई है वो सही नहीं है। मनीष कश्यप क्योंकि देशभक्त हैं, वो बिहार के मुद्दे को उठाते हैं, देश के मुद्दे को उठाते हैं, तो वो देशद्रोह का जो केस उन पर लगाया गया है, जो NSA का केस उन पर लगाया गया है, वो सही नहीं है। मनीष कश्यप पर जब NSA के तहत कार्रवाई की गई थी तो पूरे देश में अगले 1 हफ्ते तक इस पर चर्चा होती रही। लगातार वो ट्विटर पर ट्रेंड करते रहे और लोग इस बात पर चर्चा करते रहे कि आखिरकार मनीष कश्यप पर जिस तरह से कार्रवाई की गई है और उन्हें जिस तरह से जेल भेजा गया है, ये तरीका सही नहीं है। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि मनीष कश्यप के करियर से यहाँ पर खेला गया है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप भी अगर आवाज उठाना चाहते हैं तो फेसबुक पेज पर जाएं। फेसबुक पेज है हमारा NDTimes और वहां पर अपनी आवाज आप बुलंद कर सकते हैं। नमस्कार।